हमें वापस जिया दौर की तरफ लेकर चलने जाते हैं एक जमहूरी शक्ल दे के, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ और मैं मेरे चार डिमांड्स लूँगा। अगर मैं मेरे चार डिमांड्स नहीं ले सकता हूँ तो फिर आप देखेंगे कितने ज़ोर से मैं एहतजाज करूँगा कि नवाज शरीफ साहब खुद भाग जाए। खुदा नवाज शरीफ ने कहा हम सबको असेंबली में कि मेरे पास सारी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। इन्होंने जो पार्लियामेंटेरियंस से झूठ बोला असेंबली के फ्लोर पे, कौम से झूठ बोला, मुझे मायूसी हुई सुप्रीम कोर्ट में। मायूसी ये हुई कि मेरे ख्याल में इतना अहम केस 8 महीने से सारी कौम तमाशा देख रही है और मेरे ख्याल में डे टू डे हेयरिंग करके सॉल्व कर देना चाहिए। मैं चोर की बजाय चोर की माँ और बाप को घेरे में लेता हूँ। जितना पैनामा लीक्स ने इस हुकूमत को, नवाज शरीफ गवर्नमेंट को आवाम की नज़रों से गिरा दिया है, अगर ये वजारत उज़्मा से उतर भी जाते तो उनकी इतनी बेइज्जती ना होती। अभी केस सुप्रीम कोर्ट में है और चौक में, चौराहे में, सड़क में, बाजार में, अदालत में, असम्बली में, हर जगह चोर को चोर कहेंगे, चोर को चोर कहेंगे और चोर रंगे हाथों पकड़ा गया है। खुदा के यहाँ देर है, देर नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफ़साल। नाज़रीन, अब से थोड़ी देर पहले कौमी असम्बली का इजलास मछली बाजार के मनाजिर पेश कर रहा था और वजह क्या बनी थी कि पैनामा लीक्स का मामला, जिस पर एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि बॉयकॉट कर चुकी थी पार्लियामान का, ये कह चुकी थी कि वो इसमें वापस नहीं आएंगे क्योंकि वज़ीर आज़म की क्रेडिबिलिटी नहीं है, वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म नहीं मानते, और वो जमात जो कि कश्मीर के मामले पर या फिर टर्किश प्रेसिडेंट के भी यहाँ जॉइंट सेशन से खिताब जब हुआ तब भी नहीं आई, वो आज पैनामा लीक्स के मामले पर आई और तहरीक इस्तेहकाक और तहरीक इल्तवा जो थी वो उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर पेश करनी थी इस मामले पर कि वज़ीर आज़म साहब ने पैनामा लीक्स के हवाले से, अपनी ऑफशोर कंपनियों के हवाले से जो बयान कौमी असम्बली के अंदर दिया था वो, और वो जो स्टेटमेंट, वो जो तमाम दस्तावेजात जो कि आला अदलिया के अंदर जमा कराए गए उनके वकील की जानिब से, उनमें काफ़ी बड़ा तजाद जो है वो नज़र आता है, कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो नज़र आती हैं। पीपल्स पार्टी ने भी इसी हवाले से प्रिविलेज मोशन तहरीक इस्तेहकाक जो है वो आज जमा कराने की कोशिश की, जिस पर स्पीकर साहब जो हैं उन्होंने कहा, उनकी रूलिंग सामने आई कि क्योंकि ये मामला सबजडिस है तो इसलिए वो इसको यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। खुर्शीद शाह साहब ने, लीडर ऑफ़ द अपोजिशन ने, जब वो प्रिविलेज मोशन पढ़ने की भी कोशिश की तो भी उन्हें बारहा रोका गया, और उसके बाद के मनाजिर आप लोगों ने अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स पर लाइव देखे हैं कि किस तरीके से ख्वाजा साद रफीक साहब भी और दीगर हुकूमती बेंचेस पर बैठे अरकान की तरफ से भी नारेबाजी की गई, और दूसरी जानिब उस प्रिविलेज मोशन के हमने जो है वो उसको फाड़ भी दिया गया, कागज़ भी जो है वो हवा में उछाले गए, और साथ ही साथ इस ऐवान से, इस मुंतखब मेंबरान के ऐवान से वज़ीर आज़म चोर है के नारे भी आज हमें सुनाई दिए गए। तो वो तमाम चीज़ें जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जिस पर हुकूमती मौक़िफ़ ये था कि हम उन्हें टफ़ टाइम देंगे कौमी असम्बली में, आज वो मामला बिल्कुल ही उलट हमें नज़र आया, और इस पर आगे क्या होगा क्योंकि स्पीकर साहब इस शोर शराबे में बिल्कुल इजलास छोड़ के चले गए और इसको कल 4 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया, आज ये तमाम चीज़ें इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जफर अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के सीनियर रहनुमा हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। वसीम सजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नामवर आईनी और कानूनी माहिर हैं, साबिक चेयरमैन सेनेट हैं, आपको भी सर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया। और फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वकील तो हैं ही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक्समैन भी हैं, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। और साबिर बलोच साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और फॉर्मर डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट हैं, साबिर बलोच साहब आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। वसीम सज्जाद साहब, सबसे पहले तो ये रहनुमाई फरमाएं हमारी कि ये जो आज हुआ है मामला और इस चीज़ पर कि जी खुर्शीद शाह साहब प्रिविलेज मोशन पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वो पेश करना चाहते थे और स्पीकर ने ये कह दिया कि जी ये सबजुडिस मामला है इसलिए इसकी इजाज़त मैं नहीं दे सकता, हालांकि उसमें अदालत के हवाले से बात नहीं थी, बात थी इस ऐवान के इस्तेहकाक के मजरूह होने के हवाले से।
جی یہ میرے خیال میں مناسب یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ایک بہت اہم معاملہ ہے اور ایوان کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ باہر جو کوئی اختلافات ہوتے ہیں، جو تناؤ ہوتا ہے، جو ٹینشنز ہوتی ہیں، جو سیاست ہوتی ہے، اس کی عکاسی کرتا ہے، تو یہ ایک اس وقت بہت بڑا ایشو ہے ملک کے اندر، عدالتوں میں بھی گیا ہوا ہے۔ میرے خیال میں ایک تفریق کرنی چاہیے کہ عدالت میں کیا معاملہ ہے اور اسمبلی میں کیا معاملہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسمبلی سوورن ہے، اسمبلی کو اختیار ہے کہ ہر چیز کو دیکھے، تو یہ ایشو کہ بھی ایک تقریر پرائم منسٹر کی وہ درست ہے نہیں درست ہے، پریولیج بریچ ہوتا ہے نہیں، یہ ایک خالصتاً اسمبلی کا معاملہ ہے کیونکہ اسمبلی کے اندر کاروائی ہوئی ہے، تو مناسب تو یہ ہوتا کہ اسپیکر صاحب اس کو ریفر کر دیتے کمیٹی کو اور کمیٹی کے اندر پھر کاروائی ہوتی اور کمیٹی شاید اس پہ فیصلہ کرتی کہ ہم نے اس کا حتمی فیصلہ آج کرنا ہے یا کچھ دیر کے بعد کرنا ہے، کیونکہ اسپیکر کو نہ صرف اس کے جو قانونی جو ہیں نکات وہ دیکھنے چاہیے، سیاسی صورتحال بھی دیکھنی چاہیے، اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا راستہ نکل آتا کہ ہنگامہ نہ ہوتا۔ پریویلیج موشنز آر ریڈ آن دی فلور، جی ہاں فلور ہوتا ہے، وہاں پہ بحث بھی ہوتی ہے اور پھر اس پہ اگر حکومت اعتراض کرے تو حکومت کی جانب سے جواب بھی آتا ہے اور اس کے بعد اسپیکر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی میں نے اس کو ایڈمٹ کرنا ہے نہیں کرنا، اور اس کا ایڈمٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کمیٹی آن پریویلیجز کو ریفر کر دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ انہوں نے فیصلہ کیا، میرے خیال میں اس سے جو ہنگامہ ہوا اور جو اس وقت صورتحال بنی اس کو اگر اوائڈ کیا جائے۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ آپ جیسے اگر سینئر آئینی اور قانونی ماہر اور سمجھ بوجھ رکھنے والے، شعور رکھنے والے شخص یہ بات کر رہے ہیں کہ جی واقعی یہ ہونا چاہیے تھا، جو ہوا ویسا نہیں ہونا چاہیے تھا، شاہ صاحب آپ بھی قانون اور آئین کو اچھے انداز میں سمجھتے ہیں، تو پھر جو آج ہوا تو اسپیکر صاحب پہ جو بہت عرصے سے الزامات لگتے آ رہے تھے کہ جی شاید جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، کسٹوڈین آف دا ہاؤس کو ایسے نہیں بیہیو کرنا چاہیے، ان کا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے، جمہوری انداز نہیں ہے، آج تو پھر وہ ہم نے سچ ہوتے دیکھا ہے۔ کوئی بدقسمتی سے اسپیکر صاحب میرے بھی وہ لیڈر ہیں اس لحاظ سے مسلم لیگ، لیکن جب وہ اسپیکر کی سیٹ پہ گئے ہیں تو فوراً وہ کسی جماعت کے نہیں ہیں، وہ پھر اسپیکر ہی ہیں اور اسپیکر کو پھر اسپیکر ہی رہنا چاہیے، تو وہ واقعی کوئی یا تو کوئی ان کی وہ نہیں کرتے، آئین کو پڑھتے نہیں یا آئین کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، یہ بالکل وسیم صاحب نے ٹھیک کہا۔ دیکھیں جی پریویلیج موشن وہ پٹ کرتے ہیں، ان کا رائٹ ہے پٹ کرنا، جی، اور پھر وہ پوچھتے اپنا اپوزیشن سے بھی، ان سے بھی اور خود بھی اپنی رولنگ دے دیتے، آپ کا یہ استحقاق بنتا ہے یا نہیں بنتا، اور واقعی یہ استحقاق آپ کا تھا یا ہاؤس کا تھا اور یہ انفرنج ہوا ہے، تو لہٰذا اس پہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، اس کا قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے سپریم کورٹ کی اس پروسیڈنگ سے یا سب جوڈیس وہ تھا یا نہیں تھا۔ ویسے باہر تو اسمبلی کے باہر تو خود چودھری اپنا یا صادق صاحب بھی بشمار بات کرتے ہیں، بہت سارے سیاسی بیانات دیتے ہیں وہ عمران خان صاحب کے خلاف، بہت سارے لیڈروں کے خلاف، ایک انکالڈ تھی ان کی رولنگ بھی اور ان کی ضد بھی، اور جس سے پھر آپ نے دیکھا کہ بات بڑھتے 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 یہاں تک چلی گئی کہ ایجنڈے پھاڑے گئے اور نعرے مارے گئے اور لوگ باہر نکل آئے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ صحیح طریقے سے اگر یا صادق صاحب چلاتے ہاؤس کو۔ سو واٹ ہیپنڈ ان دی ہاؤس، یو آر سیئنگ کہ دس واز انکالڈ فار، تو فواد اسپیکر صاحب کے حوالے سے تو دونوں کی رائے آپ نے سن لی ہے، لیکن خواجہ سعد رفیق صاحب شاید زیادہ قانون اور آئین کو جانتے ہیں، انہوں نے باہر آ کے کہا کہ اسپیکر کی جو رولنگ تھی وہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق تھی۔ تو مجھے تو ایک سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف تو اگر سپریم کورٹ میں ہوں تو حکومت کہتی ہے، پہلے اگر روڈز پہ ہوں تو کہتے ہیں آپ پارلیمنٹ میں نہیں آئے، پارلیمنٹ میں ہوں تو کہتے ہیں عدالت میں نہیں گئے، عدالت میں ہوں تو کہتے ہیں آپ یہ فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے، روڈز کے اوپر جائیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کا خود بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے۔ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو پیناما پیپرز کا اسکینڈل ہے، یہ کوئی سعدیہ افضال نے یا پاکستان میں کسی اور میڈیا نے، میں نے یا پی ٹی آئی نے بریک نہیں کیا۔ آئی سی آئی جے ایک انٹرنیشنل جو ہے وہ ادارہ ہے، موزیک فنسکا جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل لا فرم ہے، ان کے پیپر ہیک ہوئے، اس ہیکنگ میں پتا چلا کہ دنیا کے بہت سارے لیڈران میں پاکستان کے وزیر اعظم اور ان کی امیجیٹ فیملی بھی شامل ہے، جن کی پراپرٹیز ہیں، ہڈن پراپرٹیز ہیں۔ آئی سی آئی جے کے خلاف کیوں نہیں گئے؟ Exactly. اچھا اب ہم کہاں سے شروع ہوئے؟ پی ٹی آئی نے کہا جی ایک انٹرنیشنل، آئس لینڈ کے وزیر اعظم اس کے اوپر ریزائن کر گئے، ڈیوڈ کیمرون کو پارلیمنٹ کے اندر ہیومیلیشن کا سامنا کرنا پڑا، دنیا میں کیا کہاں کیا کیا نہیں ہوا اس کے اوپر۔ اچھا پاکستان میں جو نہیں رہیں گی،
हमने कहा नैब से इन्वेस्टिगेशन कराएं, नैब नहीं हिली। हमने कहा एफबीआर से इन्वेस्टिगेशन कराएं, एफआईए से कराएं, कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में गए, आपको याद होगा कि पहले वो पिटीशन ही डिसमिस हो गई, फिर रोड्स पे निकले, इस्लामाबाद लॉकडाउन हुआ, फिर जाके सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के लगे हुए एतराजात दूर हुए, सुप्रीम कोर्ट में केस लगा। अब सुप्रीम कोर्ट में जब केस यहाँ पे पहुंचा के जनाब अपना प्राइम मिनिस्टर साहब के वकील ने आके दो तीन बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि जो पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर की थी वो तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी। दूसरा उन्होंने कहा कि 40 साल पहले चिट्टों पे काम होता था, तो हम वज़ीर आज़म साहब का खानदान भी चिट्टों पे काम करता था, तो उनका तो रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, हमारे हमें नहीं पता। 12 मिलियन दिरहम कोई हमारे अकाउंट में डाल दिया। वज़ीर आज़म साहब ने तो कहा था कि दस्तावेजात हमारे पास मौजूद हैं। एग्जैक्टली, उन्होंने एक रिकॉर्ड जो है हम पेश करेंगे। वहां पर जाके वज़ीर आज़म के वकील ने कहा कि जनाब वो तो पता नहीं वहां पे ऊँटों पे जाता आता था उस वक्त 1980 में, तो पता नहीं दुबई कोई करून वस्ता का कोई मुल्क था। वहां पे आके हम अब पार्लियामेंट में आए हैं कि जनाब आप हमें बताइए वज़ीर आज़म साहब कि आपने पार्लियामेंट के अंदर जो बात की थी वो जो सच थी, या अब आपका वकील जो सुप्रीम कोर्ट में कह रहा है वो सच है? दोनों में से एक ही सच हो सकता है? दोनों तो सच नहीं हो सकते। यहाँ पे स्पीकर साहब जो हैं, जो स्पीकर के इंस्टीट्यूशन का बेड़ा गर्क कर दिया वैसे इन्होंने, अयाज साहब ने, और मेरी पर्सनली मेरी बड़ी हाई होप्स थी बिकॉज ही बिलोंग्स टू अ वेरी वेरी रिस्पेक्टेबल फैमिली, सरदार इकबाल साहब और सारा जो उनका है, लेकिन उन्होंने आके जिस तरह से अपने आप को कहा कि मैं जाला हूं और ऐसा हूं और वैसा हूं, भाई आप तरीके इस्तेहकाक पेश होने दें, उसके बाद बहस होने दें। वहां पे शाह महमूद कुरैशी साहब, इमरान खान, पीटीआई की वजह से पैनामा पेपर इतना बड़ा केस है ना, उसको आप बोलने नहीं दे रहे, उसको बोलने नहीं दे रहे। वैसे आज काफी सारे लोगों ने डॉक्टर फहमीदा मिर्जा को जरूर मिस किया है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। दो एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो साबिर बलोच साहब की तरफ भी इसी नुक्ते को लेकर जाएंगे। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। साबिर बलोच साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे जो कुछ हुआ खुर्शीद शाह साहब की तकरीर के दौरान भी जिस तरीके की नारेबाजी थी, और फिर बाद में पार्लियामेंट के बाहर भी हुकूमती बेंचों पे जो बैठे अरकान थे उनकी जानिब से काफ़ी कुछ कहा गया। ख्वाजा साद रफीक साहब जो हैं वफाकी वजीर हैं, उन्होंने भी काफ़ी बात की। पीटीआई का जो स्टैंड था पार्लियामेंट में ना आने के हवाले से, आज आपको लगता है कि वाकई में कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी बहुत जो था वजन था कि जी पार्लियामेंट में कुछ नहीं होना, आज वो आए, वो मोशंस मूव करना चाह रहे थे, आप लोगों ने भी करने की कोशिश की, आपने देख लिया वहां पे क्या हुआ? साजिद बीबी देखें, हमने तो पहले भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि ये पीपल्स पार्टी का और हर मेंबर का नेशनल असेंबली में, पार्लियामेंट में, अगर वो समझता है कि उसका हक मजरू हुआ है, उसका प्रिविलेज मजरू हुआ है, इस्तेहकाक मजरू हुआ है, तो उसका हक बनता है, उसका राइट बनता है कि वो असेंबली में आके उस पर बहस करे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि देखें कि ये स्पीकर साहब ने कहा कि जी कि ये प्रिजुडस है, ये मामला भी किस तरह प्रिजुडस है, वो बेंच चीफ जस्टिस के जाने के बाद वो बेंच डिसमेंटल हो गया है, वो बेंच ही नहीं रही। जब वो बेंच ही नहीं रही तो वो कहाँ से सब जुडिस हो गया? अब नया चीफ जस्टिस आएगा, नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेगा और नई प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी, वो जब होगी तब देखा जाएगा ना। लेकिन अभी इस वक्त वो किस तरह कह सकते हैं कि ये सब जुडिस मामला है? तो ये जो है ना, ये बहुत गलत रवायत हैं। और अगर अपोजिशन ये कहती है, अपोजिशन समझती है, खुर्शीद शाह साहब ने तो बाकायदा यानी ओपनली ये बात कही कि देखें बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने गलत बयानी की है। जब गलत बयानी की है तो ये एक मेंबर का इस्तेहकाक मजरू नहीं हुआ है, बल्कि पूरे ऐवान का इस्तेहकाक मजरू हुआ है, और पूरे ऐवान का इस्तेहकाक मजरू हुआ है, और स्पीकर साहब को पूरे ऐवान को साथ लेकर चलना चाहिए। तो ये जो ना इस तरह एक पार्टी को सपोर्ट करना, हुकूमत को सपोर्ट करना या हुकूमत की हिमायत करना, तो ये जो ना गलत रवायात बनते हैं, इनके इनके आफ्टर फैक्ट्स बड़े गलत निकलते हैं इससे। अच्छा, मैं जाहिर थोड़ी देर में उस पर भी आऊंगी कि पीपल्स पार्टी अब क्या करेगी, जो बिलावल साहब के चार मुतालबात हैं, पीपल्स पार्टी के चार मुतालबात हैं, फिर 27 भी करीब है, और ये कहा है कि जी एहतजाज की कॉल भी दे सकते हैं, घड़ी खुदाबख्श में ऐलान करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो कुछ नुकात हैं जो कि अदालत में भी वसीम सजाद साहब उठाए गए, और फवाद ने अभी उसका जिक्र भी किया था कि वज़ीर आज़म के वकील ने जिस तरीके से
प्राइम मिनिस्टर की इस हाउस के अंदर होने वाली तकरीर को, उनकी एक स्टेटमेंट को जो कि रिटन स्टेटमेंट होती है, उसको ये कह दिया था कि वो तो सियासी स्टेटमेंट थी, एक सियासी तकरीर थी। जी उन्होंने ये कहा सियासी तकरीर थी, लेकिन सवाल ये था कि क्या वो दुरुस्त थी या गलत थी। मेरे ख्याल उस पर उनको बात करनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने ये बात करके कि ये सियासी तकरीर की, मेरे ख्याल में एक सियासी गलती की है, क्योंकि अवाम में जो तासर जाता है। अच्छा वसीम साहब, मैं सिर्फ बता दूँ कि डायलॉग क्या था। जो जज साहब ने उनसे पूछा कि आप वज़ीर आज़म साहब ने तो कौमी असम्बली में ये कहा था कि तमाम जो आपने आगे बात की ट्रांजैक्शंस का एक एक सफ़े का रिकॉर्ड मौजूद है, उसके जवाब में सलमान भट्ट ने कहा कि जी वो तो एक सियासी तकरीर थी। और क्या वकील अपने क्लाइंट की मर्जी के बगैर कोई बात कर सकता है अदालत के अंदर? देखें जी, जब हम बहस करते हैं अदालत में तो जो क्लाइंट होता है उसकी इंस्ट्रक्शंस पे करते हैं, लेकिन हर चीज़ तो क्लाइंट से पूछी नहीं जा सकती। कई दफ़ा एक सवाल आ जाता है, उसका जवाब देना होता है, और चूंकि आप नुमाइंदे होते हैं तो आप लेकिन ये सियासी तकरीर थी वज़ीर आज़म की, ये जवाब कैसा था? ये उसका सियासी असरात हुए हैं इस सवाल के, इस जवाब और सवाल के एक सियासी असरात भी हैं। और नहीं तो बड़ा सिंपल है ना, आके माफ़ी मांग लें कि मेरे वकील ने गलत कहा था, वो अपना उसको नहीं था पता जी सियासी, मैं तो जो पार्लियामेंट में मैंने कहा वो सही है। मेरा सवाल फिर से वही वसीम सजाद साहब के, उनके क्लाइंट जो हैं उस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, लीडर ऑफ द हाउस हैं, उन्होंने हाउस के अंदर कहा कि जी हमारे पास एक एक सबूत मौजूद है, दस्तावेजात मौजूद हैं, रिकॉर्ड मौजूद है, और उन्हीं का वकील जो है वो कहता है कि पर्चियों पर काम होता था, हमारे पास तो उसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, और वो तकरीरी सियासी थी। मतलब उसको एक तरह से सिरे से खत्म कर दिया जो उन्होंने हाउस में कहा। मैं ये कह रहा हूँ जी कि ये एक सियासी गलती है, क्योंकि इसके सियासी तो सर एक तासर जाता है कि आवाम में कि शायद कोई दुरुस्त नहीं है, कोई चीज़ छुपाई जा रही है, से पूरे वाकया सामने नहीं ला जा रहे। तो मेरे ख्याल में चाहिए तो ये था कि एक बाकायदा जवाब दिया जाए कि इसमें ये वाकयात हैं, ये हालात हैं, तो ये ज़्यादा मुनासिब। आज वैसे डू यू थिंक प्राइम मिनिस्टर को होना चाहिए था हाउस के अंदर? बहरहाल जी, ये तो प्राइम मिनिस्टर होना ना होना उनका इख्तियारी फैसला होता है कि होना तो चाहिए। अच्छे हालात में आपने उनके वकील की बात की, वो सिर्फ वकील ही नहीं है, वो इससे पहले अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं। जी, अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान का और बिलखसूस गवर्नमेंट का वकील होता है, और उसको इतना भी प्रेजेंटेटिव होता है, वो असम्बली के अंदर भी बैठ सकते हैं। मतलब उनको ये बात कहने से पहले असम्बली की प्रोसीडिंग का चैप्टर पढ़ लेना चाहिए था कि असम्बली के अंदर हुई हुई प्रोसीडिंग को कितना तकद्दस हासिल है। इतना तकद्दस हासिल है कि वो किसी कोर्ट में चैलेंज भी आप नहीं कर सकते कि पार्लियामेंट के अंदर ये प्रोसीडिंग जो हुई है ये गलत है, ठीक है, बेहुदा है, हमारे लिए ठीक है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आप क्वेश्चन ही नहीं कर सकते, क्वेश्चन नहीं कर सकते, अदालत में भी नहीं कर सकते, और तो छोड़ दे मतलब किसी भी रुकन की। तो वकील साहब जो कि खुद अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी रह चुके हैं, और जिस तरह इन्होंने फरमाया उसी साहब जो चीफ एग्जीक्यूटिव के आप वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत में पेश हो रहे हैं, और वहाँ के अंदर होने वाली कार्रवाई, और वो भी कार्रवाई पी एम साहब के मुँह से निकली, आप कहते हैं वो सिर्फ सियासी तकरीर थी। यानी आप उनके वकील थे या आप मतलब उनके मुखालिफ थे? का रंग जो खुर्शीद शाह साहब ने आज उसको एक्सप्लेन भी किया कि मतलब सियासत जो है झूठ होता है, झूठ है, झूठ काम कर रहे हैं कि वो कह दें कि सियासी तकरीर है तो झूठ बोला था। लेकिन उनके वकील साहब का तो शायद गालबन मफहूम यही था कि छोड़ो जी उन्होंने तकरीर की कड़ी गल है, वो तो इस तरह की होनी रहनी। ये मैं समझता हूँ कि उन्होंने पता नहीं अपने क्लाइंट के साथ दोस्ती किया या दुश्मनी किया, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक सुप्रीम कोर्ट के वकील से ये तो को नहीं रखी जा सकती, और वो भी कि जो अटॉर्नी जनरल रह चुका हो, कि प्रोसीडिंग जो है पार्लियामेंट की वो कितनी सैक्रोसेंट होती है। ठीक है, अच्छा फवाद, पीटीआई अब जाहिर है पीपल्स पार्टी के साथ, एक तरफ तो लोग ये कह रहे हैं कि जी आज खुर्शीद शाह साहब ने बड़ी जानदार तकरीर डेफिनेटली की है, एंड यू नो एक तरीके से पीपल्स पार्टी स्टोल द शो, पीटीआई की बारी नहीं आई। खैर आपने भी मोशन अपनी पेश करनी थी, बट वाई दिस सडन चेंज ऑफ हार्ट? मतलब कश्मीर इशू पर नहीं गए, टर्किश प्रेजिडेंट आया नहीं गए, जी बिल्कुल, और आज जाना था अदालत के फैसलों से या अभी तक की कार्रवाई से मायूसी के बाद? अच्छा नहीं, चोर सिपाही का खेल होता है, बचपन में खेलते हैं, चोर जाता है सिपाही पीछे पीछे जाता है, वीडियो गेम में भी होता है, आगे दीवारें आती हैं, आपने फरांगनी होती है, एक राइट की गली में जाएगा राइट ही, हमने चोर पकड़ना है, चाहे उसके लिए राइट की गली में मुड़ना पड़े या लेफ्ट की गली में मुड़ना पड़े, चाहे जंप लगाना पड़े, चाहे सीधा होना पड़े, चोर हमने पकड़ लिया है,
चोर है प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी फैमिली का जो पैसा गया हुआ है। और दोबारा मैं आपको कह रहा हूँ, हमारा पैसा जाती पैसा नहीं है, कौम का पैसा है। हम वो चोर सफाई का खेल खेल रहे हैं। अगर हमें लगेगा कि प्राइम मिनिस्टर की लेजिटिमेसी चैलेंज होती है बाइकॉट करने से, हम बाइकॉट करेंगे। पार्लिमानी जमहूरी हक है अपोजिशन का बाइकॉट करना। हमें लगता है हमारे हक में बाइकॉट करना बेहतर है, हम बाइकॉट करते हैं। हमें जिस तरह आज लगा हमें कि नहीं, पार्लियामेंट के अंदर जाकर के बात करना बेहतर है ज्यादा। इसकी वजह इमरान खान साहब का वो बयान है जो कहते हैं कि हमें मायूसी हुई, हम चाह रहे थे कि जल्द अज जल्द फैसला हो जाए और यही बेंच जो है फैसला कर दे। देखिए, ये मायूसी जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस साहब ने जिस तरह से, उन्हें पता था वो रिटायर हो रहे हैं, तो हमारे ख्याल में उनको फिर बैठना ही नहीं चाहिए था। अब सिर्फ मामला ये है कि देखें, जिस तरह मैं आपको उससे पहले अर्ज कर रहा था कि कह रहे थे नैब से करा लें, एफआईआर से करा लें, एफआईए से करा लें, एफबीआर से करा लें, नहीं हुई। फिर हमने कहा कमीशन बना लें, नहीं बना। फिर आपने 7 महीने लगा के हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब को अब अपना रिकॉर्ड नहीं मिल रहा फाइनेंस का। हम समझते हैं हमने प्राइम मिनिस्टर साहब की हद तक केस प्रूव कर दिया है आर्टिकल 62-63 का, ठीक है। अब आप दोबारा कहें कि जी कमीशन बना दें और अगला साल पूरा उसमें लग जाए और उतने में नए इलेक्शन आ जाएं। हमारी मायूसी ये है, ये मायूसी है, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट जो हम आए हैं वो तो एक स्पेसिफिक नुक्ते पे आए हैं और वो नुक्ता यही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब आके बताएं कि वो पार्लियामेंट में उन्होंने झूठ बोला है या अदालत के अंदर। साहब बलोच साहब, चलें, सुप्रीम कोर्ट पीपल्स पार्टी नहीं गई क्योंकि आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ होना नहीं था, आपको कोई तवक्को नहीं थी, इसलिए पीपल्स पार्टी ने पीटीआई के इस मौकफ से इख्तलाफ किया। लेकिन अभी आज जिस नुक्ते पर इकट्ठे हुए वो एक ही नुक्ता है कि जी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने गलत बयानी की, इस ऐवान का इस्तेहकाक जो है वो मजरूह हुआ है। अब आज के बाद आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो पीटीआई की तरह सड़कों पर आएगी? बिलावल साहब 27 की तारीख वैसे ही दे चुके हैं कि ऐवान में भी एहतसाब के हवाले से आप लोगों का कोई इनिशिएटिव, उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा। देखिए जी, बात यह है कि हमारा जो स्टैंड है, हमारा जो मौकफ है, वो उसका तहरीक इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए कि तहरीक इंसाफ का तो पता नहीं चलता कि कभी वो सड़क की बात करता है, कभी वो कहता है कि जी कि इस ऐवान में मैं हम नहीं आते कि ये वज़ीर आज़म जो है ना वो एक आइनी वज़ीर आज़म नहीं है और हम आ नहीं सकते यहाँ पे, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ करते हैं, अच्छा बड़े रेकलेस डिसीशन होते हैं उनके। लेकिन पीपल्स पार्टी तो शुरू से ही हमने जो स्टैंड लिया अपने स्टैंड पर कायम है कि हमने जो कुछ करना है पार्लियामेंट के अंदर करना है। अच्छा, एक पॉलिटिक्स हमारी सियासत पॉलिटिक्स ऐवान के अंदर की है और एक ऐवान के बाहर की है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब ने ये कहा है कि भाई मेरे 4 मुतालबात मानने चाहिए हुकूमत को। अब आप ये देख लें कि 4 मुतालबात जो हुकूमत को दिए गए हैं, इनमें कौन सा ऐसा मुतालबा है कि जो हुकूमत को बड़ी तकलीफ़ होगी उसको एक्सेप्ट करने में, उसको मानने में। देखें, अब अगर उन्होंने ये बात कही है कि जी कि एक फॉरेन मिनिस्टर जो है वो फुल टाइम फॉरेन मिनिस्टर हो, अच्छा सिर्फ ये नहीं कि एक फुल टाइम फॉरेन मिनिस्टर हो बल्कि एक ऐसा फॉरेन मिनिस्टर कि जो जिसका विजन हो, जिसको ये एहसास हो, जिसको ये पता हो कि इस्लामाबाद के पावर लिमिट्स क्या हैं, दिल्ली के पावर लिमिट्स क्या हैं, दुनिया के दूसरे जो ममालिक हैं वहाँ पे जो तब्दीलियाँ हो रही हैं उसको वो जांच सके, उसको देख सके, उस पर उसको समझ सके। एक ऐसा फॉरेन मिनिस्टर हो कि जो पाकिस्तान के बुनियादी मसले को जाने, कश्मीर के मामलात को जाने और उसको सही मानों में उसकी नुमाइंदगी कर सके, उसकी रिप्रेजेंटेशन कर सके। आज जो हमारी फेलियर दुनिया में इसलिए है कि हम कहीं के नहीं रहे, वो इस बात पे कि हमारी फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है, वो सर 4 मुतालबात हैं सीपैक के हवाले से भी, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के हवाले से भी, जो अकाउंटेबिलिटी पर पैनमा के मामले पर बिल के हवाले से भी पास किया जाए। लेकिन आज के बाद मेरा सवाल वही था कि जब वो चीज नहीं होती नजर आ रही, जो जवाब आप लोग चाह रहे हैं वो आपको नहीं मिल रहा, तो पीपल्स पार्टी फिर उसी अंदाज में सड़कों पर आएगी जिस तरह पीटीआई आने की बात कर रही है, या फिर आप भी वो अंदर जिस तरह आपने कहा पार्लियामेंट के अंदर की सियासत और है, बाहर की और है, थोड़ा कंफ्यूजन ही रहता है पीपल्स पार्टी के हवाले से? नहीं, वही तो मैंने अर्ज किया। देखे ना, बात यह है कि हमें तो पता नहीं है कि तहरीक इंसाफ चाहती क्या है, अव्वल। अच्छा, दूसरी बात है कि हम चाहते हैं, तो हमारा शुरू से मौकिफ रहा है कि अपोजिशन के जितनी जमात हैं वो इकट्ठे हो जाए, दिस इज ये तो दिस व्हाट वी वांटेड। लेकिन हमें तो छोड़ा उन्होंने अपने रेकलेस एटीट्यूड की वजह से। देखिए, अभी बीबी मैं आपको एक अर्ज कर लूँ कि देखें,
कि अभी पनामा लीक्स पे आपने जो बात कर ली, अभी तक तो मैं चूंकि बलूचिस्तान के मामले में एक बात करता हूं कि अब ग्वादर से जो है ना आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने जाके वहां पे इफ्तिताह किया है, वो शाम एक छोटी सी जगह है वहां पे सड़क का, अच्छा सड़क बलूचिस्तान से निकलती है, अब बलूचिस्तान सड़क कहां से आप ले जाएंगे? सिर्फ सड़क बनाने से बलूचिस्तान को क्या बेनिफिट होगा? ये इंडस्ट्रियलाइजेशन वो कहते हम कर रहे हैं, बलूचिस्तान का पता भी नहीं चलता कि भाई कहां पे कोई इंडस्ट्रियल साइट उन्होंने बनाई है या और कौन से बराह जा रहा है। आई एम सॉरी आई हैव टू इंटरप्ट यू, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू रखेंगे, स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। आपको वज़ीर आज़म साहब का कौमी असम्बली में जो बयान था ये पनामा लीक्स के हवाले से और जायदादों के हवाले से, ऑफशोर कंपनियों के हवाले से, जिस पर आज पीटीआई और पीपल्स पार्टी जो है एक तरफ तहरीक इस्तेहकाक और पीटीआई जो है वो तहरीक इस्तेहकाक और तहरीक इल्तवा जमा कराना चाहती थी जो कि हो नहीं सका, पीटीआई की तो नौबत ही नहीं आई। वज़ीर आज़म साहब ने किस तरीके से बयान किया था अपने वसाइल को जिनसे ये अपार्टमेंट्स खरीदे गए लंदन में, वो ज़रा सुनिए। स्पीकर, तब हमारे वालिद मोहतरम हयात थे, उन्होंने जलावतनी में एक बार फिर कमर बांधी और जद्दा में एक स्टील मिल लगाई। उसकी बुनियादी सरमायाकारी के लिए दुबई फैक्ट्री की फरोख से हासिल होने वाले सरमाए ने भी मदद की। जद्दा की ये फैक्ट्री जून 2005 में अपनी मशीनरी, वसी कताय राजी और दीगर असासों समेत तकरीबन 64 मिलियन रियाल यानी 17 मिलियन डॉलर्स में फरोख्त हुई। जनाब स्पीकर, दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। हजूर, ये हैं वो ज़राए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, मैं बिला खौफ तरदीद हतमी तौर पर वाजे और दो टोक अल्फाज में कह सकता हूँ कि जद्दा स्टील मिल हो या लंदन के फ्लैट्स या और कोई अदायगी, पाकिस्तान से इनके लिए एक रुपया भी बाहर नहीं गया। हजूरे वाला, ये हैं वो वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। तो वसीम सजाद साहब, ये मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव का बयान था, दुबई और जद्दा की स्टील मिल बेचने के बाद लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए, एक एक चीज उन्होंने कहा रिकॉर्ड का हिस्सा है, दस्तावेजात मौजूद हैं। अब आपने खुद सुन लिया है और इसके बाद जो इनके वकील का बयान है सुप्रीम कोर्ट में, तो कैसे ये अपोजिशन के मेंबरान ना कहें कि सैवान का इस्तेहकाक मजरू नहीं? जी, ये मेरे ख्याल में ये तजाद तो सामने नजर आ रहा है, मुनासिब यही था कि स्पीकर साहब इस प्रिविलेज मोशन को सुनते, दोनों इतराफ से सुनते, बात सुनते और उसके बाद फैसला करते, और बज़ाहिर तो कोई तजाद नज़र नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट की अपनी ज्यूरिसडिक्शन होती है, ईवान का अपना अख्तियार होता है, और हमारे आइन के मुताबिक ईवान जो है वो सवरन इदारा है, यानी कुल मुख्तार है, तमाम अमूर उसके सामने आने चाहिए, और अगर वो नहीं आएंगे तो फिर यही होगा कि सड़कों पर सियासत होगी। जो पार्लियामान के अंदर कोई स्टेटमेंट आती है, जिस तरीके से शाह साहब ने कहा था कि उसको कहीं आप अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन उस स्टेटमेंट की हैसियत तो होती है ना? जी होती है, अदालत का रिकॉर्ड बनता है। ये जो स्टेटमेंट होती है जिस तरह आपने ये अभी दिखाया, रिकॉर्डिंग भी होती है, इसको बाकायदा रिकॉर्ड बनता है, प्रिंटेड रिकॉर्ड होता है, और वो एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी होता है, और वो उसको रेफरेंस भी किया जाता है, और इसकी बड़ी सैंक्टिटी होती है जो भी बयान दिया जाए पार्लियामेंट के अंदर। ठीक, सो शाह साहब आप इस पे क्या कहते हैं, जो इनका बयान था, एक स्टेटमेंट थी वजीर आजम के साथ? वो तो एक पहले स्पीकर साहब खुद कह चुके हैं कि सब ड्यूटीज भी है, ये वो सारी वो बात आ जाती है। आज की कार्रवाई के बारे में स्पीकर के कार्रवाई इजलास होने से पहले, जनाब तो चेयरमैन भी रह चुके, इजलास होने से पहले बाकायदा एक वो होता है एजेंडा आता है,
एजेंडे पे 1, 2, 3, 4 आइटम होते हैं। अब मुझे पता नहीं, मैं एजेंडा देखा नहीं है मैंने, मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ। और अगर तो वो एजेंडे पे किसी नंबर पे इस्तेहकाक की जो तहरीक है वो पेश करने की इजाज़त थी या नहीं थी, वो एजेंडे पे था ये आइटम, फिर तो स्पीकर साहब उसको रोक नहीं सकते थे, वो हर हाल में आना चाहिए था जिस वक्त जो मुहर्रक है जो लेके आया था शाह साहब थे खुर्शीद शाह साहब या जो भी। और अगर नहीं था तो फिर उनको ये कह के रोकना चाहिए था कि ये आज एजेंडे पे नहीं है। हाँ। इस वजह से नहीं रोकना चाहिए था कि सब्जुडिस मामला है, ये बात है। और ये जो वजीर आजम का स्टेटमेंट है इस पे क्या कहेंगे? इस पे देखिए दुबई और जद्दा उन्होंने खुद कहा, कहां से वसाइल आए, इसी पे तो सारी लड़ाई हो रही है। जिसने खलीफा साहब ने कहा है कि ये जो पीएम साहब ने कहा है असेंबली के अंदर, और असेंबली का वो रिकॉर्ड है कि जिसकी जेर जबर ऊपर नीचे नहीं की जा सकती, ना निकाली जा सकती है ना वहाँ पर डाली जा सकती है पत्थर, और इसको तो अब नापना और तोलना सुप्रीम कोर्ट का काम है कि वो इसको कैसे नापेगी कैसे तोलेगी दिस वे या दैट वे मतलब। लेकिन जहाँ तक पीएम साहब के स्टेटमेंट का तलक है, वो उनके वकील को सुननी चाहिए कि ये स्टेटमेंट है या नहीं है, और इस स्टेटमेंट को ये लीडर ऑफ द हाउस की है, ये किसी यानी ये भी नहीं है कि किसी एक पार्टी के लीडर ऑफ द हाउस की। सही। अच्छा, आज बड़ी इंटरेस्टिंग एक और बहस भी फवाद हुई कि चीफ जस्टिस साहब के हवाले से, जब साद रफीक साहब ने कहा कि हमारे चीफ जस्टिस साहब के हवाले से बात नहीं की जाए, तो उस पर खुर्शीद शाह साहब ने काफी उनको थोड़ा सुनाया भी कि जी आप खुद उन्हें मुतनाज़ा बना रहे हमारा और मेरा कह के, तो यू थिंक ये भी चीज़ है असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है किसी सूरत? देखिए, जितना चीफ जस्टिस साहब ने सार साहब को, जितना हम शाह साहब बैठे हैं, वसीम साहब बैठे हैं, हम जितना जानते हैं, मेरा नहीं ख्याल वो किसी प्रेजुडिस में आने वाले हैं। इज वेरी वेरी टफ गाय, वेरी ऑनरेबल मैन, वेरी लर्नड मैन, उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीगल बैकग्राउंड है। शायद ही पाकिस्तान में एक जो चीफ जस्टिस इतना कोई, मतलब पहले आए होंगे लेकिन रिसेंटली जितने आए हैं उनमें उतना पढ़ा लिखा शायद कोई भी नहीं होगा जितने साकिब निसार साहब हैं। मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम उनको नहीं होना। अभी वो ठीक है, अभी एक सोशल मीडिया इधर उधर लगे रहते हैं लोग, और एक वो है मामला के जी वो कुछ प्रेजुडिस होंगे या कुछ नहीं होंगे, बट ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें तो उन पर पूरा अहतमाद है, और हम समझते हैं जब वो आएंगे और ये जो बेंच रिज्यूम करेगा अपनी हेयरिंग, हम सिर्फ ये चाहते हैं वक्त ज़ाया ना हो, ये चार जजों ने सुना हुआ है केस यहीं से शुरू कर लें, दरख्वास्त है हमारी, जाहिर है वो तो उनकी मर्जी है, बेंच बनाना कर लें। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक शाह महमूद कुरैशी साहब का आज का जो बयान है, जो आज की उनकी स्टेटमेंट है कि उन्हें इंतखाबात जो हैं वो 2017 में होते नजर आ रहे हैं, इस पर भी जरा बात करते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हमने तमाम एवेन्यूज जो हैं वो इस्तेमाल कर लिए हैं, ना किसी इदारे से इंसाफ मिला, और अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है, लेकिन साथ ही साथ पार्लियामान भी आए हैं इस स्पेसिफिक नुक्ते पर कि वजीर आजम साहब ने ऐवान के अंदर, पार्लियामान के अंदर, कौमी असम्बली के फ्लोर पर गलत बयानी की है, ये क्लियर होना चाहिए कि वो झूठ बोल रहे थे या उनका वकील जो है वो अदालत में अपने दलाइल के दौरान या जो बातें वहां पर उन्होंने की वो झूठ था। साबिर बलोच साहब, अभी जिस तरीके से आज की कार्रवाई हमने देखी है और जो रवैया स्पीकर साहब का आप लोग खुद कह रहे हैं रहा है, पीटीआई भी, पीपल्स पार्टी भी, अब उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब तो एक तरफ कहते हैं कि जी उन्हें इंतखाबात अगले साल ही नजर आते हैं 2017 में, अब आप लोग भी अगर सड़कों पर आएंगे 27 दिसंबर को एहतजाजी कॉल देंगे, आपका जो भी लाया अमल होगा, आपको भी लगता है कि जल्द हो जाएंगे इलेक्शन 2017 में, देख रहे हैं आप भी? देखिए बेबी, ये मैं अर्ज़ कर लूँ, आपको बताऊँ कि हुकूमत ये समझती है, वज़ीर आज़म ये समझता है कि उस पर तमाम अदारों की गिरफ्त है इस वक्त टुडे, और वो अपने आप को बड़ा कंफर्टेबल और अपने आप को बड़ा पुरसकून समझ रहे हैं। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं, आप माजी में भी इनकी पॉलिटिक्स को देखें, इनके रवैयों को देखें, कि इनको किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा जी 1917 में इलेक्शन होंगे, तो लगता है कि ये तहरीक इंसाफ वाले जिस जल्दी में हैं और जिस रिकलेस तरीके से उनकी अपनी सियासत बढ़ा रहे हैं आगे, कभी सुप्रीम कोर्ट, हमने कहा था इनको कि सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है,
वो चले गए, वहाँ से कुछ हासिल नहीं हुआ, तो फौरन अपना तमाम पिछले जो है ना अपने जो स्टैंड को निचोड़ के सुप्रीम कोर्ट से हासिल हुआ जहाँ भी हम बैठे हुए देखे जी कि पार्लियामेंट में भी आ रहे हैं। अच्छा अब मसला ये है कि इनके दिमाग में ये बात बैठी हुई कि शायद कि अब शायद 1917 को इलेक्शन होंगे, तो ये इस वक्त मुझे लगता है कि ये 1917 के इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत बड़ी पुरसकून है अनलिस के वो अपनी खुद जिस तरह के पहले उन्होंने किए बम पर खुद अपना पैर न रख लें कि उनके साथ जो होगा उसमें तो फिर ना तो इमरान खान की ना कोई जो है ना कोई करामात है या ना किसी पीपल्स पार्टी या हमारी उसमें कोई ऐसी बात होगी, वो तो खुद। लेकिन अभी तक मामला तो वही जो हुकूमत की बात करें तो मामला तो यही नजर आ रहा है ना, वो पीटीआई के हवाले से भी आज भी वजीर आजम ने बलूचिस्तान में सड़क का इफ्तिताह करते हुए पीटीआई को आड़े हाथों लिया है कि जी ये सिर्फ तफरी तमाशे के लिए करते हैं, और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के भी जो मुतालबात हैं उस पर अभी तक हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंगी है। तो फिर आपको क्या कहां मामला नजर आ रहा है? आपका मुहिम का ऐलान तो आप भी कह चुके हैं करेंगे जी, डेफिनेटली हमने तो कह दिया। देखो बात ये आप ये कहना के जी के उनके कानों को जू नहीं रिंगती, ऐसा नहीं है, इसलिए कि उनको पता है कि ये चार नुकात जो पीपल्स पार्टी की तरफ से आए हैं ये बड़े सीरियस नुकात हैं और उनको बड़ी सीरियसली ले रहे हैं, और हमने ये कहा है डेफिनेटली हुकूमत सीरियसली ले रही है, फर्क पड़ रहा है, हम स्टैंड करते हैं डेफिनेटली जी। हुकूमत तो जो कि हुकूमत तहरीक इंसाफ के अपने रवैये और अपने पॉलिसी की वजह से उनको सीरियस नहीं ले रही, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ ऐसा मामला नहीं है। अच्छा पीपल्स पार्टी के हर बात को जिस तरह हम सीरियस लेते हैं हुकूमत भी उसको बड़ी सीरियस उसको लेना चाहिए, और अगर ये चार मुतालबात नहीं माने गए तो पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी के कारकुन वो 27 जुलाई को जो कॉल चेयरमैन बिलावल साहब देंगे वो उसके लिए पूरी तरह तैयार है। हम जो बात करते हैं बड़े सोच समझ से करते हैं, उसके रिपर्कशन को देखते हैं। ठीक है शाह साहब की पार्टी के हवाले से बात कर लेते हैं, वो वाकई में आप जो है वो पीटीआई को संजीदा नहीं ले रही इस वजह से कि साबिर बलोच साहब कहते हैं कि उनका पता नहीं होता क्या करना चाह रहे हैं क्या नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी को और बिलावल साहब के जो मुतालबात हैं और उसके बाद एहतजाजी कॉल का जो ऐलान वो कर सकते हैं उसको सीरियस ले रहे हैं, उनके मुतालबात पर गौर कर रहे हैं। वो गौर करना या ना करना गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट उनको वो सीरियस लेती है या नहीं लेती मुझे नहीं पता। आपको क्या लगता है? मैं वाकई ये वजूहत है कि पीटीआई को सीरियस नहीं लिया जाता और पीपल्स पार्टी को शायद गवर्नमेंट की हद तक हो, लेकिन हाँ। जहाँ तक आप मैं पहले कई दफा अर्ज कर चुका हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक पॉलिटिकल पार्टी जी, और आप हुकूमत का हिस्सा नहीं है बिल्कुल नहीं, वैसे ही भी उसका कोई उस अंदाज से रोल नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जरूर है, लेकिन हुकूमत का एक अपना एक अलग एंटिटी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक अलग एंटिटी है, मतलब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पनामा में नहीं आई हुई, मतलब ना उस पर कोई इल्जाम है इस किस्म का। सही चलें आप अच्छी बात है ये बात कर भी रहे हैं और आप जो है स्पीकर के किरदार से भी आज आपने इख्तलाफ किया है कि ये नहीं होना चाहिए, बट जिस तरीके से पीएमएलएन के लोग वजीर आजम साहब या उनके बच्चों की ऑफशोर कंपनियों के मामले को टेलीविजन पर आकर डिफेंड करते हैं गवर्नमेंट की, वो बाकायदा नहीं गवर्नमेंट के भी नहीं, जो सिर्फ एक एमएनए है जो सिर्फ एक एमपी है वो लोग भी आके पीआईडी में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होते हैं और मेरे और आपके टैक्सों के पैसों से हमारे खिलाफ भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस साथ बैठे होते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट का नुकता नहीं आप बयान कर रहे होते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। मैंने तो कहा है कई दफा कि मैं 1500 रुपया बिस्किट्स का भेज देता हूँ, वो अपना कर लिया करें जरूरी है, इसलिए ये बात क्लियर है कि पाकिस्तान जो दूसरी बात आपने की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देखिए ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो अब ऐसा ऐसा हीट जनरेट कर रही है मतलब और जिसका मुजहरा आज आपने असेंबली में भी देखा मतलब और जो बुलाबुदरदारी साहब कहते हैं कि हम 27 तारीख को वो अपोजिशन करेंगे कि पता लग जाएगा मतलब वो बहरहाल पार्टी हर पार्टी का अपना 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 एजेंडा है लाए अमल है तरीकाकार है मैकेनिज्म है। तो ये सवाल आपका बुनियादी जो था वो ये था कि नेक्स्ट इलेक्शन 2017 में होंगे, मैं उनसे भी पहले कह चुका हूँ बतौर एक सेशन कार्यक्रम के कि 2017 में इलेक्शन डेफिनेट है, डेफिनेट है बिल्कुल इनएविटेबल है, मतलब ये मेरी जमा दफरी जो है अपनी जाति मतलब है कि ये इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता 2017 में, पनामा की हीट अपनी जगह पर और वो फैसला आ चुका होगा तब तक वो दिस वे दैट वे कुछ से कुछ हो चुका होगा, आए नहीं आए आपको 2017 में इंतखाबात जरूर नजर आ रहे हैं बिल्कुल। दूसरा पाकिस्तान पीपल पार्टी जिस अंदाज से आ रही है 27 तारीख से शुरू कर रही है मतलब है, और इसकी दो वजूहत है, एक तो ये पॉलिटिकल जो गर्मी पैदा हो रही है मतलब
और इधर जो हुकूमती जमात जिसको आप अपने कहते हैं, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी तैयार है पब्लिक से उसका जो है रबता वो उसी तरह है। आखिरी एक स्ट्रोक होगा इसमें इख्तलाफ के पास भी, और उससे पहले एक मेरी अपनी जाती एक मेरे जाती नाम से पिटीशन पड़ी हुई है जो पीटीआई और एनक्यूएम के पर कि ये इस्तीफा दे चुके हैं, ये अब दे आर नो मोर मेंबर ऑफ दीवा। पता मुझे नहीं पता सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, लेकिन इस अगले 3-6 माह में ये फैसला भी हो जाएगा, फैसला भी आना है, ठीक है। और इससे अगर वो फैसला, मुझे नहीं पता वो क्या करेंगे, लेकिन अगर मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि अगर वो मेरी रिट हो जाती है, एक्सेप्ट हो जाती है, फिर बहुत बड़ा एक इंतजार ये होगा कि बहुत सारी मेंबरों की तादाद जो है वो असेंबली से। और आखिरी बात जो मैं कह दूँ कि वो जो एक आई डोंट नो अपना वसीम साहब एग्री करेंगे या नहीं, मैं इस अपना चल साहब की पार्टी के इमरान खान साहब के पास, उनके पास एक ये तर्क का पता है और पीपल पार्टी के पास भी है, पीपल पार्टी की असेंबली वो भी डिसॉल्व कर सकते हैं, इधर ये अपने उसके बाद कोई रास्ता ही नहीं जाता इंतखाबात करने का। क्या कहेंगे कि 2017 में वाकई मामला जो है वो इतने हीट अप हो रहे हैं या उस जानिब जा रहे हैं कि दोनों जमातें पीटीआई भी और पीपल्स पार्टी भी अपोजिशन का भरपूर रोल अदा करते हुए ये इंतखाबात की तरफ मामला लेके जा सकते हैं? मुमकिन है जी। देखें, एक तो सियासी टेम्परेचर बढ़ रहा है जी, शाह साहब ने सही फरमाया कि उनके पास जो कार्ड्स हैं, एक तो ये है कि ये सारे कौमी असम्बली से रिज़ाइन भी कर सकते हैं, और अगर 50-60 सीटों से कोई रिज़ाइन और ज़्यादा बन जाती हैं, 60-70 सीटों से कोई रिज़ाइन कर जाए तो उसके बाद जनरल इलेक्शन नागुजीर हो जाता है। मैं तो ये भी कहूँगा जी, मैं अरसे से कहता रहा हूँ कि हमारे बहुत से मसाइल इसलिए हैं कि हमारी असम्बली का जो मुद्दत है बहुत ज़्यादा है, हमारे हालात के मुताबिक और तारीख को मद्देनज़र रखते हुए अगर 4 साल असम्बली की टर्म हो जाए तो यहाँ पर सियासी इस्तेहकाम ज़्यादा आ जाएगा, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी और पाकिस्तान का निज़ाम बेहतर हो जाएगा। हम 5 साल मेरा ख्याल में हमने देख लिए है, 5 साल इतना ज्यादा लंबा अरसा है पाकिस्तान के लिए कि उसमें फिर फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती है, तो हमारे लोगों में वैसे ही अदम बर्दाश्त बहुत ज्यादा है जी। तो मेरे ख्याल में इस पे सोचना चाहिए, मैंने बहुत पहले भी कोशिश की थी लेकिन अभी तक इस तरफ वो माइल नहीं हुए, इस तरफ आना चाहिए। लास्ट वर्ड फवाद, अगर कुछ कहना चाह रहे हैं। बस जी, मेरा 2017 हम शामिल हुए के साथ यही वजूहत हैं, देख रहे हैं वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो कौमी असम्बली में आए और बताएं कि उन्होंने कौमी असम्बली को गोली दी है या सुप्रीम कोर्ट को दी है। राइट, फवाद चौधरी साहब, वसीम सजाद साहब, जफर अली शाह साहब और साबिर बलोच साहब, चारों की तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।